वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज आपको मैं ये बताने वाला हूँ मैंने होंडा एक्टिवा 6G क्यों चूज की, क्योंकि मेरे पास पहले से ही होंडा एक्टिवा 6G थी, लेकिन तभी मैंने फिर से अपनी स्कूटी होंडा एक्टिवा आई को सेल करके होंडा एक्टिवा 6G ली। 125 क्यों नहीं ली, तो उसका हम लोग रीजन समझते हैं। सबसे पहले इसकी लुक, ठीक है ना, लुक और कलर ऑप्शन। अगर हम लोग इस प्रॉपर स्कूटी में बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मेरा जो कलर है, इसका जो कोड नेम है वो है रेवल रेड मेटालिक 2, ये इस कलर का कोड नेम है। और कहीं ना कहीं ये मतलब जब अच्छे से पॉलिश वॉलिश कर देते हैं तो इसकी जो शाइनिंग रहती है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खासी आती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर मैंने ये लिया तो इसके पीछे रीजन क्या थे। तो सबसे पहला जो रीजन था वो था इसका हेलोजन सेट्स, मतलब जो स्टैंडर्ड में पास है उसमें हेलोजन आता है, इसमें जो हेडलाइट सेटअप आता है वो LED आता है, जो कि विंटर के टाइम में उतना मतलब इफेक्टिव नहीं रहता है, पर लेकिन समर के टाइम में जैसे थोड़ी सी इसकी हाई बीम भी अच्छी है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये हाई बीम है, अभी उतना आपको विजुअल नहीं हो रहा होगा, पर लेकिन इसका जो डीपर जो है ना इसमें, इसको मारने में बड़ा मजा आता है। तो इसी चक्कर में लिया था, साथ ही साथ सोचा था कि जैसे कंपैरिजन वीडियो भी बना लूंगा। ये जैसे मेरे पास स्टैंड, ये मेरे पास डीलक्स हो गई, ये मेरे पास ये जो ब्लैक वाली खड़ी है एक्टिवा 6G, ये स्टैंडर्ड हो गई, तो दोनों कंपैरिजन वीडियो बना लूंगा। यही कुछ रीजंस थे। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसमें उससे अलग क्या है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस इसमें एक हेलोजन हेडलाइट, मतलब हेलोजन नहीं, LED हेडलाइट मिल गई है, और मीटर वही सेम है, मीटर के अंदर येलो बल्ब दिया हुआ है, यहाँ पर नॉर्मल वही इग्निशन स्विच दिया हुआ है कि आप लोग इसी स्विच से स्कूटी को ऑन भी कर सकते हैं, और कहीं पर आप रास्ते में मतलब ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हुए हैं तो इस बटन को ऊपर प्रेस करके स्कूटी को बंद भी कर सकते हैं। और वही अगर हम लोग 125 की बात करेंगे तो उसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन आता है, कि जैसे कि आप अपने स्कूटी में ऑटो स्टार्ट फंक्शन में ये रहता है कि हम लोग जैसे कहीं पर भी चौराहे पर गए तो वहां पर स्कूटी बंद हो जाती है, उसका हल्का सा इसके लेटर लेने पर स्कूटी ऑन हो जाती है। उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, वो आप लोग जा करके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी बूट की बात करें तो इसमें आपको 14 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, और यहाँ साइड में क्या कहते हैं ये फर्स्ट एड किट, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट बॉक्स दिया हुआ है डॉक्यूमेंट रखने के लिए, और यहाँ पर आपको सीट के पीछे में ही आपको टूल्स रखने का प्रॉपर प्लेस मिल जाता है, कि इस ये पीछे में हर एक टूल के लिए एक जगह सेपरेट रखी हुई है, कि आप लोग यहाँ पर जो स्कूटी के साथ टूल्स मिलते हैं वो सब यहाँ पर आप रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी फ्यूल, यहाँ से ही फ्यूल कैप खुलता है, तो इसकी अगर हम लोग फ्यूल की कैपेसिटी की बात करते हैं इसमें, तो इसमें जो फ्यूल डाला जाता है वो 5.3 लीटर्स के करीब में इसके अंदर में फ्यूल डाला जाता है, मतलब टैंक कैपेसिटी जो इसकी है वो 5.1 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी है। और इसमें जो एक फायदे का सौदा है, इसमें एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप दिया हुआ है, कि आप मतलब सीट पर बैठे बैठे ही आप मतलब अपना फ्यूल भरवा सकते हैं स्कूटी में। उसके बाद हम लोग इंजन की बात करेंगे तो इसमें जो इंजन मिलता है वो 109.51 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन मिलता है, जो कि पावर जनरेट करके देता है, 7.68 bhp की पावर जनरेट करके देता है, और टॉर्क की बात करें तो 8.84 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है ये होंडा एक्टिवा 6G का 110 cc वाला इंजन। यही सेम इंजन आपको होंडा डियो में भी मिलता है, और इसके
फ्रंट सस्पेंशन सेटअप की बात करेंगे तो इसमें 110 इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में मिलता है, और फ्रंट के टायर साइज की बात करेंगे तो 90-90 12 इंच का आपको फ्रंट में टायर मिलता है। और रियर की बात करेंगे तो रियर में आपको 10 नंबर का टायर मिलता है, मतलब आगे में 12 पीछे में 10 नंबर का टायर मिलता है। और बॉडी की बात करेंगे तो आपको ये इस साइड का पैनल हो गया, ठीक है, एक मिनट आपको दूर, जो ये वाला पैनल है ये आपको मेटल का मिलता है, ये फाइबर का है, प्लास्टिक का है, और ये साइड मेटल का पैनल मिलता है इसमें। और ये जो नीचे वाला पैनल है ये भी आपको मेटल का मिलता है, जो इसमें फाइबर का जो पैनल मिलता है ये एक ये पीछे वाला है, और ये हेडलाइट के ऊपर वाला, और ये बैटरी पैनल। और इसको छोड़ करके जो इसकी पूरी बॉडी, ये पूरी मेटालिक बॉडी है, जिससे कि ये एक और इसका एडवांटेज हो जाता है, अगर मान के चलिए इसमें डेंट उंट आ गया तो मेटालिक बॉडी होने के कारण डेंट निकलवा करके हम लोग उस पार्ट को पेंट भी करवा सकते हैं। और रियर सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो इसमें थ्री वे एक माइंड मत कीजिएगा थोड़ा सा इसका सस्पेंशन गंदा हो रहा है, इसमें थ्री वे एडजस्टेबल आपको रियर सस्पेंशन मिलता है, कि आप इस सस्पेंशन को, इसका एक प्रॉपर टूल आता है उसे आप लोग इसको थ्री वे मतलब तीन तरह से आप इसके सस्पेंशन को पीछे से एडजस्ट कर सकते हैं, स्टिफ, सॉफ्ट और बम्फी। तो आप उस हिसाब से मतलब इसमें तीन टाइप के मतलब मोड्स दिए गए हैं कि जिसे आप लोग इसके सस्पेंशन को कर सकते हैं। इसमें बात करें तो आपको फ्रंट में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर हम लोग रियर ब्रेक को प्रेस करेंगे तो फ्रंट तो पिछले का 100% ब्रेक लग जाएगा पिछले वाले व्हील का, और फ्रंट वाले व्हील का 30% ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, और जो परसेंट बच गया तो 70% यहाँ से अप्लाई होगा फ्रंट वाले से। तो ऐसे करके ही कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। उसके बाद फ्रंट में बात करें तो ये वाला जो एरिया रहता है, क्या कहते हैं, मडगार्ड के आगे वाला, तो ये वाला थोड़ा सा साफी एरिया रहता है। तो यहाँ पर ये प्लास्टिक की छोटी सी क्लैडिंग दे दी गई है, जिससे कि जैसे अंदर घुसा करके, जैसे होता है कि मैं स्कूटी क्लीन उन कर रहा हूँ तो उसमें हाथ कट नहीं जाए, तो उसके लिए ये वाला प्लास्टिक वाला मतलब एक क्लैडिंग इसमें लगाई हुई है। तो इसी के साथ आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।